हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टैरोट 777 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में आज लेकर के आई हूँ आप सभी के पर्सन के लव रीडिंग्स, आपकी लव एनर्जीज को चेक करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके लव एंजल ओरेकल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे फेसबुक चैनल को पे फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करे। चलिए स्टार्ट करिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोवर्स के क्या हैं लव एनर्जीज, क्या उनके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं जो अपने किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए टॉक्सिक है। वो बार बार रेड फ्लैग्स देता है, बार बार टॉक्सिटी क्रिएट करता है, बार बार ब्रेकअप्स की धमकी देता है, फिर भी उससे होप लगा के रखते हैं कि ये पर्सन अब सुधरेगा। उनके पर्सन की हो सकता है कोई ऐसी बैड हैबिट हो, किसी ऐसी बैड हैबिट जो उन्हें पता है कि वो उनको डिजर्व नहीं करती है, फिर भी वो उसको रखे हुए। वो कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है, या रमी खेलना, जुआ खेलना, ठीक है, इस टाइप का गैम्बलर होना, इन टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं और आपका पैसा आपसे उधार लेते हैं और उसके बाद में कहीं वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप की आपके पर्सन की एनर्जी है और आपसे बाद में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मुझे कुछ पर्सन ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी अकड़ में रहते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग से साइन है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि अभी वेकअप हो जाओ, इस पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अभी वेकअप है, अभी उठ जाओ, अभी इससे ब्रेकअप कर लो, ठीक है। आज जो ब्रेकअप किया वो ज़िंदगी भर आपको खुशियाँ देगा, ठीक है। अपने पर्सन के रेड फ्लैग्स को पहचानिए, ठीक है। अगला कार्ड है कॉम्पिटेंसी। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, आप उसको लेकर एडिक्टेड हो जा रहे हो, या आपका पर्सन किसी प्रकार के एडिक्शन का शिकार हो रहा है। इसको समझो, इस चीज़ को समझो, क्या आपके पर्सन किसी ऐसी गलत आदत का शिकार है जो उसके लिए ठीक नहीं है। उस चीज़ को या तो आप सुधारने की कोशिश करो, अगर नहीं सुधार पा रहे हो और उसका असर आपकी भी लाइफ पर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे अलग करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मैसेज है। हीलिंग फैमिली इश्यू, तो यहाँ पे आपके और आपके फैमिली, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो फैमिली इश्यू चल रहे थे वो यहाँ पे हील हो रहे थे। अगर आपके पर्सन बार बार टॉक्सिटी क्रिएट कर रहे थे या दूरियां बना रहे थे ये कहकर कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब नहीं होंगी। अब आपके और आपके पर्सन के फैमिली यहाँ पे मानते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ टू टाइप्स की एनर्जी हैं, एक तो जो फ्लैग साइन दे रहे हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में तो हैं, कॉन्टेक्ट में तो हैं, लेकिन फ्लैग साइंस दे रहे हैं, बार बार टॉक्सिटी क्रिएट करते हैं, बार बार अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हैं और बार बार वो अपने पर्सन के साथ टॉर्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए है कि अब ज़्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश मत करो, अब आप उनको नहीं बदल पा रहे हो तो अलग हो जाओ। दूसरा, एक हेल्दी रिलेशनशिप में है लेकिन उनके बीच में इश्यू फैमिली का बन रही है, क्योंकि फैमिली जो है ना बात नहीं मान, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे उन पर्सन्स के लिए बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली मान जाएगी और जो भी फैमिली के इश्यू हैं वो हील हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है ट्रू लव। यस, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, जिनके केवल छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे फैमिली को लेकर के रहे, लेकिन उनके बीच में जो सबसे बड़ी एक मजबूत जो बॉन्डिंग है वो है ट्रू लव। आप दोनों एक सच्चे प्यार की डोर से बंधे हुए हैं और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है,
कोई भी उस चीज़ को तोड़ नहीं सकता है, चाहे फिर परमात्मा भी आ जाए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, बॉटम में कार्ड है न्यू लव। तो किसी ऐसे पर्सन के साथ में, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे कोई लव आप पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके जो टॉक्सिक पर्सन के साथ है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैसेज है कि इस पर्सन को छोड़िए और न्यू लव की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे कुछ एंजल मैसेज। अब हम जान लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। अगर आप किसी के साथ कॉन्टेक्ट में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले रहे हैं, तो उनकी और आपकी क्या एनर्जी है उनकी, आपके पर्सन की। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। अगर आप पहले किसी के साथ में थे रिलेशनशिप में, तब भी आप ये रीडिंग आगे देख सकते हो। चलिए जानते हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे फॉलोवर्स के क्या हैं पर्सन के थॉट्स, थिंकिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बाय द वे, ये कार्ड बहुत बड़े हैं तो कई बार हाथों में पूरे नहीं आ पाते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, मैंने उल्टा ये डेक पकड़ा हुआ है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है थ्री कप्स। ओके, देखो मैंने यहाँ पे बात की थी कुछ पर्संस जो है ना टॉक्सिटी लेकर के आए हैं, और ये फ्लेक साइट जो फ्लेक साइन है वो दिखा रहे हैं। क्या है उनके फ्लेक साइन, मैंने बोला था कुछ लोग थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हैं और आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी है, फिर भी कहीं ना कहीं आप उम्मीद जगा रहे हो कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसी के साथ रहना है। तो भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक फेक होप के साथ जी रहे हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। जजमेंट, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बाय द वे, यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए थर्ड पार्टी का कर्मा उसको मिलेगा। जिस तरीके से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने आपसे छीना है, उनकी लाइफ में भी नहीं रहने वाला। जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और वापस आने की सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, ये भी टू ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली बहुत से पर्सन हैं जिनके पार्टनर वापस आएंगे। आपने बहुत सारी यहाँ पे ऐसा विजुलाइजेशन किया है। विजुलाइजेशन क्या है, मैं फिर से कहूँगी, विजुलाइजेशन क्या है, जहाँ आप अपने पर्सन के साथ में उन चीज़ों को विजुलाइज करते हो कि मेरे पर्सन के साथ मेरी फीलिंग्स क्या रहेंगी, जब मुझे मेरे पर्सन मिलेंगे तो क्या होगा, मैं कैसे उनसे मिलूँगी, मैं कैसे बात करूँगी, हम दोनों बैठ करके कैसी बातें करेंगे, कैसे चाय पियेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे दिन गुजारेंगे, कैसे रात गुजारेंगे। विजुलाइजेशन, खुली आँख से देखा गया सपना। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है डे ड्रीमर और विजुलाइजेशन में फ़र्क होता है। डे ड्रीमर वो होता है जो हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, पर उसके लिए हकीकत का कोई सामना नहीं है, हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन विजुलाइजेशन वो है जिसके लिए हम एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर जो है ना एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने जो भी विजुलाइजेशन की, अफर्मेशंस की, यस, उनकी प्रेयर्स आपको आंसर्ड होने वाली हैं। मुझे यहाँ पे दो दिन के अंदर बहुत से लोगों के पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की कॉन्टेक्ट कनेक्शन जो है ना वो जुड़ते हुए दिख रहा है। बाय द वे, आपकी एनर्जीज भी मैच हो रही हैं, मिल रही हैं एनर्जीज, आपके इमोशंस मैच हो रहे हैं। आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को, उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ जो ना सोचा, तो क्यों सोचा,
मेच्योरिटी तो आई है उनको, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते थे, लेकिन मेच्योरिटी आ गई है, काफ़ी हद तक मेच्योरिटी आ गई है, क्योंकि धक्के बहुत ज़्यादा मिले हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, यस, थर्ड पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से इनको ड्रामा क्रिएट किया है, इनके खिलाफ ड्रामा क्रिएट किया है, और कहीं ना कहीं अब मेच्योर्ड हैं, अब ये मेच्योर्ड हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी, अभी तक यहाँ से दिख रहा था कि आपके पर्सन जो है ना आपको डोमिनेट करते रहे थे, ठीक है, ये टॉक्सिक साइन थे, ये फ्लेक्स साइन थे, पर जैसे ये थर्ड पार्टी के साथ गए, आप ना इनके प्रेशर से आउट हो गए, फिर आप इनके डोमिनेशन से बाहर निकल आए, आप अपनी पावर में आ गए। अब जब आप अपनी पावर में आए तो आपने परवाह नहीं की ये क्या सोचते हैं, आपने वो सब किया जो आपकी इच्छा थी करने की, जो इच्छाएं आपकी थी वो सारी चीज़ें की। तो जब उन्होंने आपको देखा कि आप तो बहुत पावरफुल, हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो, तो अभी क्या है ना, इनको बहुत तेज़ डर लग रहा है, इनको क्या लग रहा है कि आपका कहीं और अफेयर चल रहा है, इनको थोड़ा सा शक बैठ गया है कि आप इतना खुश कैसे हो, या आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, तो ये बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, ये प्रॉपर प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि कोई आपके आसपास तो नहीं है, ये स्पाई कर रहे हैं आपको, ये नेट सर्फिंग कर रहे हैं आपकी, आपके गूगल अकाउंट्स, आपके सोशल अकाउंट्स जितने भी हैं उसमें जाकर के आईडी बनाकर के चेक कर रहे हैं आपको, वहाँ पे आपको फेक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फेक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फेक कॉल कर रहे हैं, फेक सामाजिक ताना बाना बोल रहे, फेक बातें कर रहे हैं, ताकि वो आपसे बात कर सके और पता लगा सके आप इतना खुश कैसे हो, आपके अंदर की दशा कैसी है इस बारे में पता लगा सके। और आप इतने ज़्यादा होशियार हो गए हो कि आप कुछ भी उनको पता नहीं लगने दे रहे हो। चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द लवर्स का कार्ड। तो यस, आपके साथ में ये लव एनर्जीज में आना चाहते हैं, फाइनल कार्ड हमारा है, लव एनर्जीज में ये कनेक्ट होना चाहते हैं, और इनका लव अट्रैक्शन सिर्फ प्यार वाला नहीं है, ये थोड़ा सा सेडेसिव लव है, ये आपको सेक्सुअलिटी में भी आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी ये आपकी भी इच्छा दिखाई दे रही, इमोशंस भी हैं और सेक्सुअलिटी भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बॉटम में कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं उन सभी गलतियों की ये माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन दो दिन में वापस आएंगे, और करीब डेढ़ से दो महीनों में ही ये माफ़ी भी मांगने आ सकते हैं। कुछ फाइनल हम एंजल के मैसेज आपके लिए और निकालना चाहते हैं, देखते हैं आपको एंजल्स और क्या गाइड करती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्या आपके पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर्स के पर्सन को गाइड करना चाहेंगी, उनकी लव के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे। बाय द वे, लवर्स का कार्ड थर्ड पार्टी के लिए भी जाना जाता है, तो इस बार जब कनेक्शन जुड़े तो अपना बॉन्ड नहीं इतना आप मजबूत बना लीजिएगा कि आपके दोनों के बीच में तीसरा ना आ पाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से हम सिर्फ तीन कार्ड ही लेंगे, क्वीन ऑफ गैब्रियल, जो कि मैं अभी इसी टॉपिक पे बात कर रही थी, इतने अपनी बॉन्डिंग को मजबूत बना लीजिएगा कि कोई तीसरा ना आ पाए, और ये कार्ड यही कहता है, क्वीन ऑफ गैब्रियल, अपने आप को इतना बोल्ड बना लेना, इतना बिंदास बना लेना, अपने रिश्ते को इतना बिंदास बना लेना कि कोई पर्सन चाह के भी इसमें, वो कहते हैं ना, नकेल ना साध पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा था कि अब आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, और एंजल्स भी चाहती है कि आप अपने अंदर वो पावर लेकर के आओ, आप किसी के नीचे नहीं काम करो, कोई आपसे ऊपर नहीं है। लव के मामले में दो प्यार के साझेदार होते हैं,
कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए अपने अंदर वो पावर लाओ कि सच को सामना कर सको, सच को सच भी बोल सको। ठीक है, चलिए अगला लास्ट हम ले लेते हैं, एस ऑफ एरिल। कोई ना कहीं लव की शुरुआत हो रही है यहाँ पे, और आप दोनों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिप भी मुझे दिखाई दे रही, कोई कहीं ना कहीं आप किसी ट्रैवलिंग में, किसी ट्रिप में यहाँ पे आपको एंजल्स भेजना चाहती हैं, और ये आपको करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप मिलते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी लव लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल भी मिलते हुए देख रही हूँ। तो यस, आज की कुछ रीडिंग ये थी मेरी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों को साथ में। बाय।